हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो फ्रेंड्स, आज हम अपनी इस वीडियो में डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में बताएंगे आपको। डायल टेस्ट इंडिकेटर से रिलेटेड हमारे जो भी डाउट्स होंगे आज हम अपनी इस वीडियो में सभी क्लियर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, जानते हैं डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में कि ये कैसे काम करता है, क्या इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, डायल टेस्ट इंडिकेटर हमारा एक डायरेक्ट प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, एक एक प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है। इसके द्वारा हम किसी भी जॉब की फ्लैटनेस को चेक करने के लिए, उसकी जॉब के होने वाले वेरिएशंस को चेक करने के लिए, राउंड जॉब को सेंटर पर बांधने के लिए, किसी भी राउंड व्हील का राउंडनेस चेक करने के लिए, गोल राउंड जॉब की रनआउट चेक करने के लिए हम इस डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा हम डिफरेंस होने वाले जॉब में डिफरेंट वेरिएशंस होते हैं उसको चेक करते हैं, उसको मेजर करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में, इसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखिए, इसके पीछे हमारी एक कैप लगी होती है, इसको बोलते हैं हम कैप। कैप के बाद हमारा ये रहता है इसमें, ये इसको बोलते हैं हम हाउसिंग, केस हाउसिंग, इसको बोलते हैं केस हाउसिंग। इसके ऊपर देखिए, ये हमारी एक डस्ट कैप, इसको बोला जाता है हम डस्ट कैप, जो कि डस्ट को अंदर जाने से रोकती है, डस्ट अंदर ना जाए उसकी वजह से हमने यहाँ पर ये डस्ट कैप लगाई हुई है। डस्ट कैप के बाद देखिए हमारा, इसको बोलते हैं हम ब्रिजल, ये है हमारा ब्रिजल, इसको बोलते हैं ब्रिजल। हम कोई भी लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करने के बाद हम इसको जीरो पर सेट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, ब्रिजल। ब्रिजल के बाद देखिए ये क्लैंप है, ब्रिजल क्लैंप, ये ब्रिजल को लॉक कर देती है। कोई भी हमने जीरो सेट करने के बाद हम कहीं पर भी कोई लोड अप्लाई करना है उसके बाद हम इसको क्लैंप कर देंगे, तो इससे हमारा ब्रिजल जो है वो मूव नहीं करेगा। उसके बाद देखें हम यहाँ पर, ये हमारा, इसको बोलते हैं हम डायल। ये क्या है, कैसा डायल है, ग्रेजुएटेड डायल है जिसमें 100 लाइंस कटी होती हैं, ये हमारा ग्रेजुएटेड डायल, इसको बोलते हैं डायल। उसके बाद ये देखिए हमारा क्या, पॉइंटर या निडिल, ये कि हमारे दो पॉइंटर्स होते हैं, एक ये वाला पॉइंटर है, एक छोटा, यहाँ पर एक छोटा स्केल भी बनाया है, इसको बोलते हैं रिवोल्यूशन सेंटर। देखिए यहाँ पर जो हमारा जो ग्रेजुएशन कटी है वो 0.01 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से कटी होती हैं, और यहाँ पर हमारी इसमें इसका जो एक एक जो है डिविजन्स उसका मान 1 mm के बराबर है। तो आगे चलते हैं, ये हमारा देखिए, इसको बोलते हैं हम स्टीम, ये पार्ट से हमारा, इसको बोलते हैं हम स्टीम। इसी के अंदर हमारा प्लंजर और रैक इसी के अंदर मूव करती है। इसके बाद ये हमारा इसका, इसको बोलते हैं प्लंजर या रैक, प्लंजर या रैक। उसके बाद ये लास्ट हमारा ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट पॉइंट। ये जो भी सरफेस से हमारा कॉन्टैक्ट करता है, सरफेस से हमारा जो भी लोड अप्लाई करना है वो इसी कॉन्टैक्ट पॉइंट के जरिए किया जाता है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स है। तो फ्रेंड्स, ये हम दो प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर जो वैसे हम डिजिटल भी यूज़ करते हैं, वैसे जो मैन्युअली हम दो प्रकार से यूज़ किया करते हैं, दो प्रकार के डायल टेस्ट इंडिकेटर। देखिए सबसे पहले हम दिखाते हैं, ये वाला हमारा जो क्या है, ये प्लंजर टाइप है। देखिए मैंने बताया था ये क्या, यहाँ पर प्लंजर लगा हुआ है इसलिए हम इसको प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर बोलते हैं। दूसरा है हमारा लीवर टाइप, इसको बोलते हैं लीवर टाइप। इसकी जो मूवमेंट होती है, इस पर जो लोड अप्लाई किया जाता है वो हमारा लीवर के थ्रू लोड अप्लाई किया जाता है, तो ये हमारा क्या है, लीवर टाइप है, इसको लीवर टाइप बोलते हैं, और ये हमारा प्लंजर टाइप। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जानते हैं इसका प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। ये हमारा इसका प्रिंसिपल होता है रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन क्या होता है, हम रैक एंड पिनियन हमारा एक गियर्स है, तो उस रैक और पिनियन, रैक लगा होता है, एक पिनियन होता है उसके साथ ये मूव करता है, तो हमारा ये रैक एंड पिनियन के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब बताते हैं, देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि हमारा जो ये रैक और पिनियन यहाँ पर कैसे कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, कैसे कैसे काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, हमारा जो ये रैक है, ये रैक को हम, हमारा 25 mm की लेंथ में 50 teeth कटे होते हैं। इसी 50 teeth के साथ देखिए, एक नीचे दिखाएंगे, एक पिनियन लगा हुआ है रैक के साथ, देखिए पिनियन मूव कर रहा है, देख पा रहे होंगे आप। तो इस पिनियन के ऊपर जो हमारे टीथ कटे हैं, 10 teeth वाला एक पिनियन लगा होता है, और इस पिनियन के साथ एक नीचे देखिए गरारी मैच कर रही है, जिसमें गियर लगे हुए हैं, गियर कटे हुए हैं, गरारी मैच कर रही है वो, उस पर 75 teeth कटे होते हैं। इसके बाद इसके साथ एक और पिनियन मैच करता है, जिसमें हमारे 15 teeth कटे होते हैं, जो कि जिस पर हमारी नीडल लगी होती है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है इसमें कि हमारा जो रैक है
रैक पर 25 mm की लेंथ पर 50 दाँते कटे होते हैं, उसके साथ एक पिनियन मैच करता है जिस पर 10 दाँते कटे होते हैं, उसी 10 दांतों वाले पिनियन के पर एक गियर लगा होता है, एक गरारी लगी होती है, उस पर 75 दांते कटे होते हैं, और उसके साथ एक पिनियन मैच करता है जिस पर 15 दांते कटे होते हैं। तो इस तरह से ये हमारा, और उसी के ऊपर हमारी निडिल लगी होती है, इस तरह से हमारा ये मूव करता है। देखिए इसके बाद हमारा इस पर स्प्रिंग लगी होती है, टेंसाइल स्प्रिंग और हेलिकल स्प्रिंग के जरिए हमारा, जब हम इस पर कोई भी लोड अप्लाई करते हैं तो ऊपर जाके हेलिकल स्प्रिंग इसको स्टोर कर लेती है, जब हम उसको छोड़ते हैं तो हेलिकल स्प्रिंग और टेंसाइल स्प्रिंग के जरिए इसको वापस नीचे अपनी सिचुएशन बाग पर, अपनी स्थिति पर वापस ले आते हैं। तो दोस्तों ये हमारा इस तरह से रैक एंड पिनियन के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो फ्रेंड्स जानते हैं इसके लीस्ट काउंट के बारे में, अभी इसका ये लीस्ट काउंट हमारा कितना होता है, तो ये देखिए इस पर शो भी किया हुआ है 0.01 मिलीमीटर्स, यानी ये mm में हमारा 0.1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी से मेजर कर सकता है, चेक कर सकता है, और इंचेस में इसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 इंचेस। तो इस तरह से हम इसे मेजर करते हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे इसका लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, हम इसको कैसे इसका लीस्ट काउंट निकालते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स हमारा जो लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है, तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बताएंगे कैसे इसका लीस्ट काउंट निकाला जाता है। तो देखिए हमारा सबसे पहले 100 लाइन्स ऑफ डायल इक्वल टू 1 mm, मतलब हमारा जो यहाँ से लेकर हमारी जो एक डायल की जो पूरी हमारी जो 100 लाइन्स है हमारी, वो हमारी इक्वल होती है 1 mm के। तो जब हमारा ये इंडिकेटर एक पूरा राउंड लगाएगा तो हमारा इंडिकेटर हमारा कितना 1 mm चलेगा। तो उसी तरह से हमारा फॉर्मूला है लीस्ट काउंट का वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन मेन स्केल और रिवॉल्यूशन सेंटर, मतलब हमारा जो ये हमारा रिवॉल्यूशन सेंटर है इसकी 1 डिवीजन का मान कितना होता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन मूव ऑन डायल स्केल, जब ये रोटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारा डायल स्केल का जो इंडिकेटर है उसने कितनी नंबर्स कितनी डिविजन उसने क्रॉस की तब ये 1 mm होगा, तो हमारा 2 डिविजन हमें यहाँ पर लिख दिए। तो उसके हमारा मतलब कितना होगा, वैल्यू ऑफ 1 डिविजन ऑन मेन स्केल इज टू 1 mm, 1 mm के बराबर था नंबर ऑफ डिविजन ऑन डायल स्केल, कितना डायल स्केल पर कितना चला उसने 100 डिविजन। तो उसका लीस्ट काउंट का फार्मूला हमारा लीस्ट काउंट तो 1/100, तो हम वेट करेंगे तो हमारा इस तरह से लीस्ट काउंट आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर्स। तो देखिए ये तो हमारा लीस्ट काउंट आ गया। उसके बाद देखिए हमारा जो निडिल लगी हुई है उसको, एक निडिल ये है एक निडिल ये, तो ये काम कैसे करती है, तो जब जब ये हम इसको इस पर लोड अप्लाई करेंगे, यहाँ से लोड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हमारा क्लॉकवाइज चलेगी, जब ये इंडिकेटर हमारा क्लॉकवाइज चलेगा तो ये जो निडिल है हमारी ये वाली वो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, तो कभी भी ये हमारी सेम डायरेक्शन में नहीं चलते। अगर ये क्लॉकवाइज चल रही है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। अभी मैं आपको डायरेक्ट की सहायता दिखाता हूँ कैसे मूव कर रही है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको लोड अप्लाई किया, देखिए लोड अप्लाई किया है, जैसे ही लोड अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या हमारा जो ये इंडिकेटर है ये वाला, तो ये क्या क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और ये नीचे देखिए छोटा वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारा मूव करता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में। आई होप डायल टेस्ट इंडिकेटर से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपके, हमारे जो भी सभी क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेटेड वीडियोस। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।